दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, चाहे वो कस्टमर के लिए है चाहे वो वेंडर के लिए है, उसकी एजिंग रिपोर्ट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे एक्सेल के अंदर में, वो हम सीखेंगे। नॉर्मली आप देखते हैं इनवॉइस वाइज डिटेल आपको किसी भी सॉफ्टवेयर से मिल जाती है, चाहे सैप हो, ओरेकल हो, टैली हो, बिजी हो, लेकिन उसकी एजिंग ठीक से प्रॉपर नहीं बन पाती है, उसको हमें एक्सेल में बनाना पड़ता है। ये अकाउंटिंग में आपको चाहिए ही होता है और ये आपको आना भी चाहिए अगर आप अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं और आप स्टूडेंट हैं। इसमें हमने तीन कॉलम ऐड किए हैं जिसमें हम ओवरड्यू स्टेटस बनाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालेंगे जिससे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ओवरड्यू ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो ये हाईलाइट हो जाए, रेड हो जाए कि इस पर हमें ध्यान देना है, कितने डेज हैं ओवरड्यू के वो काउंट हो जाए, एजिंग का स्लैब ऑटोमेटिकली आ जाए यूजिंग द वी लुकअप, और एक पाइवोट टेबल बनाएंगे जिससे कि कस्टमर वाइज स्लैब रेट आ जाएगा कि जो ड्यू नहीं है 30 डेज में है, 60 डेज के या 90 डेज या उससे अबव है, तो उनका एक हमारे पास में रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाए। यही इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा आखिर तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक स्लैब शीट बनानी पड़ेगी, इसमें आप लिख लीजिए डेज जिसे हम वी लुकअप से ये लेके आएंगे ये वैल्यूज, और एक बेसिक डेट का भी एक कॉलम बना लीजिए। बेसिक डेट क्या है कि किस डेट को हम अपनी रिपोर्ट रन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डेट चेंज करेंगे, इससे ऑटोमेटिकली आपकी पूरी रिपोर्ट की आउटस्टैंडिंग निकल के आ जाएगी। आपको हो सकता है वीकली रिपोर्ट बनानी सके, डेली बेसिस पे बनानी हो या मंथली बनानी हो, जब कभी भी आप इस डेट को चेंज करेंगे आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, ये एक पूरी डायनेमिक रिपोर्ट होगी। एक स्लैब बना लेंगे, स्लैब क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, अगर 0 डेज से ऊपर हुए हैं ड्यू डेट से तो नो ड्यू आना चाहिए, अगर 30 दिन तक हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और 0 से 30 दिन वहां पर लिखाना चाहिए। ऐसे ही अगर 31 से 60 के बीच में है तो आना चाहिए ये लिखा हुआ, अबव 90 डेज में ये लिखा होना चाहिए, और 120 दिन से ऊपर है तो अबव 120 डेज आना चाहिए। तो ये एक स्लैब हमने बना लिया, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ओवरड्यू का जो स्टेटस है वो निकालते हैं, तो वो किस तरह से निकालेंगे, इसमें हम लोग इफ एल्स फार्मूला का यूज करेंगे, इक्वल्स टू इफ, लॉजिकल टेस्ट लगाना है, अगर ये वैल्यू इज लेस देन, जो भी हम ड्यू डेट डाल रहे हैं स्लैब में हमने जो डेट डाली है, तो यहां पर इसको आप फिक्स कर लीजिए, F4 प्रेस कीजिए, ये फिक्स हो जाएगा। देन अगर उससे छोटी है, 31 मार्च 2020 को हम लोग रिपोर्ट रन कर रहे हैं, अगर ये इस डेट से कम है तो ड्यू ही नहीं होगी, तो वहां पर आना चाहिए नॉट ड्यू, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे आप टेक्स्ट को, अदरवाइज यहां पर ये ड्यू या ओवरड्यू आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल प्लस एंटर। अब देखिए वो 18, यहाँ पर इनवॉइस डेट थी 19/12, पेमेंट टर्म्स जो कस्टमर है उसके साथ है 30 डेज का, कि 19/12 में 30 दिन ऐड करेंगे तो 18 जनवरी 2020 को ये इनवॉइस ड्यू होना चाहिए और हमें अभी तक इसकी अमाउंट नहीं मिली है, तो ये नॉट ड्यू दिखा रहा है जबकि ये ड्यू होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर ये गलत फॉर्मूला लगा दिया, ये हमें लगाना चाहिए इस तरह से, ये है ओवरड्यू में, ठीक है, वो ग्रेटर देन का हमें लगाना था, ये हो गया ओवरड्यू इनवॉइस है, इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे इनवॉइसेज हैं वो रिपोर्ट अपने आप से आ जाएगी। अब इसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या कीजिएगा, अब पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आगे भी कोई इनवॉइसेज अगर आप ऐड करेंगे तो वहां पर भी वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगनी चाहिए। होम टैब पे आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, न्यू रूल से आप सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स द वैल्यू, सेल वैल्यू पे आइए, स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से जो भी ऑप्शन है, और यहाँ पर आप लिख दीजिए ओवरड्यू, अगर ओवरड्यू है तो वो रेड हो जाना चाहिए, ओवर ड्यू, और यहाँ से हम फॉर्मेट सेट करेंगे तो फिल होना चाहिए रेड से, फॉन्ट उसका रेड की नहीं वाइट होना चाहिए और बोल्ड हो जाना चाहिए, और इसको ओके कर दीजिए। अब जितने भी ओवरड्यू हैं तो यहाँ पर इसमें स्पेस दे दीजिए, हेडिंग में भी ओवरड्यू आ रहा है ना इसलिए वो कंसिडर कर रहा है, तो अब ये हट जाएगा, हमने स्पेस दे दिया। तो अब जितने भी ओवरड्यू इनवॉइसेस हैं वो
रेड हो गए हैं, अगर हमको नॉट ड्यू वाले ग्रीन करने हैं तो सिमिलर तरीके से आप वहाँ पर नॉट ड्यू पे ग्रीन फिल कर देंगे। तो ये आपका टास्क हो गया। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ डेज। एक टास्क कंप्लीट हुआ हमारा, नेक्स्ट है डेज। डेज निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू पे आएंगे और स्लैब शीट में आएंगे, बेसिक डेट को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, माइनस रिपोर्ट में आएंगे वापस से, और इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला इसी शीट में हम लगा रहे हैं। और यहाँ पर आप फिर से इंटर कर दीजिए, कंट्रोल प्लस इंटर इसको सेलेक्ट करके, और अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से हटा सकते हैं। इससे वैसे आपकी रिपोर्ट में या कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंट्रोल प्लस इंटर, 73 डेज एक्स्ट्रा हो चुके हैं। ओवरड्यू में डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉट ड्यू है, यहाँ पर मुझे कंडीशन भी ये देनी चाहिए कि जो नॉट ड्यू है वो यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए, मुझे उसकी तरफ देखना ही नहीं है। लेकिन अभी इस पर हम बात नहीं करते हैं, ये इफ एल्स लगा के आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको कीजिएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कर पाएंगे। अब निकालते हैं इसका एजिंग, एजिंग करने का तरीका, ठीक है। यहाँ पर इक्वल्स टू लगाएंगे, देखिए कितनी आसानी से निकल के आएगा। बाकी ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा वहां पर इफ एल्स की बहुत बड़ी कंडीशन लगा देते हैं, लेकिन हम इसमें वी लुकअप का यूज करेंगे और जिसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, वी लुकअप डेज को हम लोग लुकअप वैल्यू पे देंगे, कोमा, हम जाएंगे स्लैब में, स्लैब से इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए पूरे कॉलम का रेफरेंस नहीं देना है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं का रेफरेंस देना है। F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर लीजिए पहले, तो कोमा प्रेस कीजिए, वापस से यहाँ पर आइए और इसको पहले रिमूव कीजिए और यहाँ पर डालिए। आपको वहाँ से उठाना है सेकेंड जो कॉलम है उसकी वैल्यू उठानी है, कोमा। अब यहाँ पर हम नॉर्मली फॉल्स करते हैं, बट इस बार हमें करना है ट्रू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू डालनी है, या फिर हम वन डाल सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल प्लस इंटर। तो देखिए स्लैब ऑटोमेटिकली आ गया, डेज था 73, मतलब कि कौन से स्लैब में आना चाहिए, ये है 61 से 90 डेज। इस पे आप डबल क्लिक कीजिए, नीचे देखिए पूरा का पूरा आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर ये NA दिखा रहा है, तो NA के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इसी को आप जीरो कर लीजिए या फिर इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को यहाँ से वी लुकअप तक कॉपी कीजिए। अब इसमें डालिए इफ, टैब प्रेस कीजिए, दिस अमाउंट इज लेस देन वन, देन यहां पर दिखाए जीरो या फिर NA, जो भी आप लिखना चाहते हैं, NA, कोमा प्रेस कीजिए। और अगर नेगेटिव नहीं है, जीरो से ज्यादा है, तो ओवरड्यूज डेट के लिए मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो वी लुकअप का जो फार्मूला है यहां पर पेस्ट कर दीजिए और फिर से आप ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, कंट्रोल प्लस इंटर, और यहां पर आप डबल क्लिक कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो NA की जगह आप जीरो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपकी डायनेमिक रिपोर्ट बन गई है। अब इसकी एजिंग करते हैं, सेव कर लीजिए फाइल को, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसको आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसको एज ए टेबल बना लीजिए। अब जब कभी भी आप यहाँ पर नेक्स्ट इनवॉइस को ऐड करेंगे तो सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप पेमेंट टर्म्स तक का डाटा कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इसको कीजिए 29, ठीक है। अमाउंट भी यहाँ से कोई भी कॉपी करके आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही आपने डाली तो देखिए ओवरड्यू अपने आप से आ गया, सारी डेज क्या क्या आपको होना है वो सब कुछ आपको रेडीमेड मिल गया, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। आप डेज को हाइड भी कर सकते हैं, बट हम क्योंकि इसकी पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें आएंगे आप इंसर्ट टैब और पिवट टेबल, ओके प्रेस कीजिए, एंड देन एजिंग को डालिए कॉलम्स में, ओके, एंड कस्टमर को डालिए रोज में, एंड अमाउंट इनवॉइस अमाउंट को डालिए यहां पर, और ये आपकी पिवट टेबल रेडी हो गई। ये कॉलम को आपको मूव करना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 0 से 30, 31 से 60, 61 से 90, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं, इसको हम फॉर्मेट करते हैं।
यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम्स पे आएंगे, और क्योंकि ये वैल्यू मुझे दिखानी है 1000 में, और लास्ट में हम लिख लेंगे यहाँ पर के, और ओके प्रेस करेंगे। 1000 में वैल्यू आ गई है, क्योंकि जब कभी भी हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाते हैं तो एज इट इज़ नहीं दिखाते हैं, मोटा मोटा देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा तो ये होगी 24 लाख रुपए, 51 लाख रुपए, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। डेसिमल प्लेस को भी आप हटाना चाहते हैं तो आप नंबर फॉर्मेट में जाके और यहाँ पर जो ये डेसिमल प्लेसेस हैं इनको हटा देंगे। अब यहाँ पर करेंगे ओके, ये डेसिमल प्लेसेस हट जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये ऑटो फिट होता जा रहा है अमाउंट के हिसाब से, तो इसको भी हटाना है तो राइट क्लिक कीजिए और पाइवोट ऑप्शंस पे आइए, ऑटो फिट विद कॉलम्स को हटा दीजिए, और जहाँ पर जीरो है, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है वहाँ पर मुझे जीरो करना है, तो ये ऑप्शन जा रहा है फॉर एम्प्टी सेल्स रोज, यहाँ पर जीरो डालिए, इसको ओके कीजिए। सॉरी ओके मुझे नहीं लिखना था, जीरो के लिखा आ रहा है, उसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, और यहाँ से इसकी फॉर्मेट कर लीजिए, और आपकी रिपोर्ट रेडी। हेडिंग्स आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, पूरा ऑटोमेटिक होगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस रिपोर्ट में आना है, नीचे ऐड करना है, या जिसका अमाउंट आ गया उसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर इस फाइल को रिफ्रेश करेंगे, F5 प्रेस करके आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। तो होपफुली फ्रेंड्स ये आपके कैरियर में और एक्सेल की नॉलेज में इंक्रीज करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए मस्ट है सीखना, क्योंकि अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग और पेबल रिसीवेबल्स यही सब होता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा है, और जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं ऊपर कॉर्नर्स में उस पर क्लिक करके आप हमारे और इससे रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ कम बैक अगेन।